पॉजिटिव आजम खान की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल गिरने से आईसीयू में किए गए शिफ्ट। लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनका ऑक्सीजन का स्तर गिरने पर डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें 4 लीटर की जगह 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है, जबकि बेटे अब्दुल्ला की तबीयत ठीक है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद कोरोना संक्रमित सपा सांसद आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान को कड़ी सुरक्षा में रविवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी लखनऊ भेजी गई। सीतापुर कारागार में कार्यवाहक अधीक्षक ओमकार पांडे ने बताया कि आजम खान का ऑक्सीजन लेवल 90 तक पहुंच गया था, ऐसे में उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई। वह लखनऊ जाना नहीं चाहते थे। आजम के लखनऊ न जाने की जिद पर जेल परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए समझाया गया, फिर वह जाने को तैयार हो गए। अब्दुल्ला आजम भी कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए उन्हें भी बेहतर इलाज के लिए साथ में मेदांता लाया गया है।